ये पूछिए कि यजीद के मुतालिक हमारा मौकफ क्या है अहलुस सुन्ना। देखिए साहब, बिल्कुल छनी छनाई बात है कि हम यजीद को फासिक समझते हैं। हम एक जुमला यजीद की तारीफ में नहीं कहते। इंतहाई बेहुदा आदमी था, परले दर्जे का फासिक व फाजिर था और मुसलमानों का खून बहाने वाला। पिछली पूरी उम्मत ने, ये अब कुछ दो चार बेवकूफ पैदा हो गए हैं, ये यजीद को सर पे चढ़ाए हुए हैं और कुछ पहले भी ऐसे थे, एक तबका था, और यजीद को वो पैगंबर अलैहिस्सलाम से माज अल्लाह बरतर समझता था। इन सारे बदबख्तों को छोड़ के यजीद जैसे आदमी की कोई तारीफ करेगा? आइम्मा के दरमियान इस पे बहस हुई है कि यजीद मुसलमान भी था या नहीं था। अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद इब्न हंबल, इनमें बहस हुई है, इनके पैरोकारों पे, इनके शागिर्दों में। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये मरीज बचता है कि नहीं बचता, पैनल बैठा हुआ है, और कोई हम जैसा जाहिल पहुंचे और कहे कि डॉक्टर साहब ये मरीज बीमार है, वो कहेगा इसकी जिंदगी मौत का सोच रहे हैं, तुम कहते हो बीमार है। यजीद का यही हाल है। अइम्मा मुज्तहिदीन इस मसले पे गौर कर रहे हैं कि ये काफिर था कि मुसलमान था। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने साफ कहा कि ये काफिर था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया फासिक था, और हम यजीद को इस वजह से, इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हम यजीद को इस वजह से बुरा नहीं कहते कि वो बुराई का मुस्तहिक नहीं था। हमें डर और है कि कहीं यजीद के सिलसिले में आगे चल के लोग हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे तानो तशनीना शुरू कर दें। ये नहीं है कि यजीद बुरा नहीं था, हम तो किसी वजह से नहीं कहते। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह यजीद के कुफ्र के कायल हैं, मालिकी उसके फिस्क के कायल हैं, हनफियों के तो क्या कहने, बल्ख और बुखारा मुस्तकिल मकतबा फिक्र रहे हैं हनफियों। बल्ख और बुखारा ने बड़े बड़े आइम्मा पैदा किए हैं, ख्वारज़्म ने बड़े आइम्मा पैदा किए हैं। हनफी फिका अगर आई होती ना अरबों से तो इसका रंग बिल्कुल मुख्तलिफ होता, हदीस का इस पर गलबा होता। ये हनफी फिका आई है हमारी सारी इस समरकंद से, बुखारा से, अफगानिस्तान से, इसके पीछे जो इलाके हैं तुर्कमानिस्तान वगैरह, इन इलाकों से आई है। इन पे था अकल का गलबा, इसलिए हनफी फिका में अकल बहुत ज्यादा आई, हदीस का वो गलबा नहीं रहा। हनफी फिका में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के जरिए जो फिका आई है उसमें इमाम मोहम्मद पे हदीस का गलबा था, क्योंकि वह शागिर्द थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के। मोहम्मद ने इमाम मालिक से पढ़ा था और इमाम शाफई से बढ़ गए थे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से 700 अहदीस सुनी, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने एक हदीस इमाम मालिक से नहीं सुनी, चुप, बस लोग पढ़ते रहते थे, इमाम सुनते रहते थे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जो फिका है ना, उनके अकवाल, बड़ा गलबा है हदीस का। यह आइम्मा बल्ख और बुखारा, इनमें पूरा मकतबा फिक्र है जो यजीद को काफिर कहता है। या हनफियों का हाल, कोई चीज है जो उससे छोड़ी हो? सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हुमा की इस शहादत का असर कहां तक पहुंचा है? तिर्मिजी उठाए, हम कहते छोड़ दो तारीख को, तिर्मिजी हदीस की किताब है ना, उसे उठा लो। तिर्मिजी में आया है कि 1,00,000 से ज्यादा अफराद को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने हाथ पांव बांध के कत्ल किया जानवरों की तरह। और ये हज्जाज इब्ने यूसुफ तो इतना बदबख्त था कि हज़रत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु के हाथों पे मोहरें लगा दी कि हुकूमत का बागी है। अनस रजी अल्लाह अन्हु हाथ दिखाते थे, गर्दन दिखाते थे और कहते थे लोगों इन हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता रहा हूं, इन्होंने क्या किया मेरे साथ। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु को शहीद इसने किया, हज्जाज इब्ने यूसुफ, जहां जहां उसे पता था कि हुकूमत के खिलाफ कोई चिंगारी कोई उठ सक, सब मार दो। यजीद उससे बदतर था और वो यजीद से बदतर था।
इतना असर है, इतना असर है हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का, तिर्मिजी में आता है, हदीस से कहां जाएं, हदीस छोड़ दें। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की भी रिवायत है, उसमें तो फिर कुछ तारीखी इश्कालात हैं, छोड़ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत का क्या करेंगे। उन्होंने सोए घबरा के उठ बैठे और कहा मेरे बच्चों तारीख लिखो। उन्होंने तारीख लिखी 10 मुहर्रम। उन्होंने कहा अब्बा हुआ क्या है? उन्होंने कहा मैं सो रहा था और तेरी सालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, बिखरे हुए बाल, चेहरे मुबारक पे कुछ मिट्टी के असरात, दाढ़ी मुबारक में भी मिट्टी के असरात, और हाथ में शीशे का एक बर्तन लेके, और एक मैदान है उससे जगह जगह से जमा हुआ खून उठा उठा कर उसमें डाल रहे। मैंने कहा अल्लाह के रसूल जी आपको क्या हो गया है? पगड़ी नहीं है, चेहरा मुबारक, दाढ़ी पे असरात हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें नहीं पता कि मेरा बेटा करबला है ये, इसमें शहीद हो गया। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? फरमाया मैं अपनी औलाद का खून जमा कर रहा हूं। ये हदीस में आया है। इस शहादत के असरात रूह मुबारका तक पहुंचे हैं इस बदबख्त को जिसके दौर में ये सब कुछ होता रहा, और उसने इन लोगों से बदला भी तो नहीं लिया। चलो तुम्हारी मर्जी, फर्ज कर लो नहीं थी तो बदला तो लेते, किसी को तो मारते, किसी पे तो मुकदमा, कोई चीज कायम होती। और हदीस को कहां ले जाओगे? अनस रजी अल्लाह अन्हु दरबार में खड़े हैं और सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु के होंठों पे मैयत सर कटा हुआ है, मारता है और कहता है अच्छा ये था, यानी जुबान से बोलता था। और फिर रुखसार पे उसने छड़ी मारी, अनस रजी अल्लाह अन्हु का, ना कर, मैंने इस रुखसार पे, इस गाल पे, इन होंठों पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करते हुए, बोसा देते हुए देखा है, मत करो ऐसे। इस यजीद को हम अच्छा कहें, एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि करबला में क्या हुआ है। मदीना मुनव्वरा में इसने लश्कर भेजा, अहले मदीना तक जब खबर पहुंची ना सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु की, तो अहले मदीना में हज़रत हंजला रजी अल्लाह अन्हु के बेटे थे, उन्होंने क़यादत की। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम अगर हमने इस खून का बदला न लिया और हुकूमत के खिलाफ ना उठे तो पत्थर बरसेंगे, आसमान से खुदा का अजाब आएगा। यजीद को पता चला, उससे कहा दोनों की खबर लो, जो मदीना मुनव्वरा में इनकी भी खबर लो और मक्का में भी तैयारियां हो रही हैं मेरे खिलाफ उसकी भी खबर लो। नतीजा उसका यह निकला कि मदीना मुनव्वरा पहुंचे और ये वो चीज है जो करबला ना भी होता तो ये थोड़ी बात है, अहले मदीना को वो कत्ल किया है, वो कत्ले आम किया है, 700 से ज्यादा या 800 से ज्यादा सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हु छोटे उम्र के मार दिए। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल ये कोई जुर्म नहीं इसने किया, और मस्जिद नबवी बंद, घोड़े बांध दिए मस्जिद नबवी में इन्होंने, हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ नहीं पहुंची होगी इस हड़बोंग से और ये जो कुछ हो रहा। मक्का मुकरमा में जाके पत्थर बरसाए और बैतुल्ला की दीवारें तोड़ दी, और करीब था कि फौज आगे बढ़ती। लम युबारक अल्लाह फी उम्र, अल्लाह ने यजीद की उम्र से बरकत उठा ली, मर गया, 3 साल के अंदर मर गया। कहां जाएं इस किस्से को लेके? और मर गया। और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया, उन्होंने कहा इन तागूतकुम कद मात, वो शैतान जो तुम्हारा हुक्मरान है ना उसकी मौत की इत्तला आई है शाम वालों, वो मर गया, ये भी छोड़ दो। ये भी छोड़ दो, आखिर आदमी ने एक दिन मरना होता है, कुछ तो उसकी अहमियत होती है ना कि कलमे पे मरा, कुफ्र बक के मरा, क्या इनके अंजाम क्या हुए। तिर्मिजी में आता है, हदीस में आता है, हदीस की किताबों में, तारीख को छोड़ो, कि गुफा में शोर मच गया कि जा सांप निकल आया, सांप निकल आया। रावी कहता है हम सब लोग हट गए और हमने देखा सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हुमा के कातिलीन के सर लाकर रखे गए, तो सांप आया और सांप ने आके उनके मुंह पे झपटा मारा, डसा,
और बावजूद इसके कि वो कहते थे इसके साथ जिस्म नहीं था कुछ नहीं था, वो फिर भी जो गर्दन थी उसको तकलीफ ऐसी इजा पहुंची कि हिलने लगी, और सांप उनके मुंह में दाखिल होता था और हलक से निकलता, हलक से दाखिल होता था और मुंह से निकलता था और डसता था। लोगों की हिम्मत नहीं हुई करीब जाने की, ये इनका अंजाम हुआ है। यजीद की कोई एक बात हो तो बयान करें। इसीलिए उम्मत में कोई उस तरफ नहीं गया, चारों अइम्मा के मुत्तबईन कोई नहीं गया। ये तो अब कल के कहें लग छोकरे और लोंडे, इन्हें दो बातें मिल गई, यजीद कस्तंतनिया। यार किधर कस्तंतनिया में गया, हमें भी बताओ ना। हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कैसर का शहर जो फतेह करेंगे, कैसर का कौन सा शहर था पहले तो ये तय करो। आप कहते हैं कि कैसर का शहर इस्तंबोल था, और हिम्स कहां गया, वो तो दारुल हुकूमत था कैसर का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कैसर के शहर पे पहला हमला होगा वो लोग बख्शे हुए जी। यजीद, उस यजीद पहले लश्कर में कहां शामिल था, तारीख उठाकर देखो, पहला लश्कर जो था उसमें अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे, और उन्होंने कहा कि हम हैं हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके मुतालिक फरमाया था कि हम बख्शे गए, हमने कैसर के शहर पे हमला कर दिया। यजीद तो बाद के मार्कों में गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह का जनाजा पढ़ाया, जब यजीद फौज का कमांडर था तो सुन्नत यही थी कि जो कमांडर होता है वही जनाजा पढ़ाता है, वो उस तरीके के तहत आया जो इस्लाम ने रखा है, वगरना इसलिए थोड़ी किसी ने आगे किया था कि सबसे ज्यादा नेक यही है। कोई एक बात हो तो उस पर बहस करें ना। आइम्मा जितने हैं ये सब यजीद के कुफर या फिस्क के कायल हैं। जो रोकते हैं वो कहते हैं इसलिए रोकते हैं कि बात आगे तक ना पहुंच जाए, कि सहाबा किराम रजी अल्लाह को बुरा ना कहो। कौन थे सहाबा किराम रजी अल्लाह जिन्होंने कभी यजीद की तारीफ में कुछ कहा हो? नमाज पढ़ता था तो पढ़ता होगा, उस जमाने में सारे ही नमाज पढ़ते थे, नमाज कौन छोड़ता था। हाफिज कुरान था तो हुआ होगा, लोग हिफ्ज कराते थे अपने बच्चों। ये जो चीजें असल में हैं ये कहां से, ये कहां ले जाएंगे? हर्रा के वाकये को कहां ले जाएंगे, करबला को कहां ले जाएंगे? इसलिए यजीद को अच्छा समझना, अगर ये अच्छा फेल है ना तो सच्चे दिल से दुआ किया करो कि अल्लाह क़यामत में यजीद के साथ हशर फरमा, अल्लाह उसके साथ उठा। ये क्यों नहीं मांगते? इतने सख्त हैं यजीद के बारे में हमारे उलमा, फतावा की किताबें आप उठाकर देखें, वो कहते हैं पक्का फासिक, पक्का गुनाहगार थे। और फिर वो आगे लिखते हैं, आप सूफिया को हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने मक्तूबात में एक जगह लिखते हैं कि मारफत अज़्ज़ व जल बर आकस हराम अस्त के खुदरा अज फरंग फरंग अज काफिर फरंग बेहतर निदानत। अल्लाह अज़्ज़ व जल की मारफत हराम है उस शख्स पे जो अपने आप को फरंगी काफिरों से अच्छा समझे। फरमाया फरंगी काफिर से अपने आप को बदतर समझना चाहिए। और फिर एक जगह लिखा है कि उकारे को न यजीद ने वो करतूत किए कि फरंगी काफिर ने ऐसे करतूत ना किए। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा उठाकर देखें, साफ शाह साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि ये जालिम हुक्मरान थे, उसमें यजीद का नाम लिखा है कि ये फासिक। इब्ने कसीर को पढ़ लें, शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जैसा नाकिद, और शिया के साथ जो उनकी शाम में एक दूसरे को सवाल और जवाब और मोहल्ली के जो जवाब उन्होंने लिखे हैं, इसके बावजूद शेख मजबूर हुए हैं या अपनी रजा से लिखा इस बात पे, यजीद अच्छा आदमी नहीं। कितने हवाले चाहिए? किताबों के ढेर और अंबार लगा दें नीचे लाइब्रेरी से निकाल के, कोई बताएं उम्मत में जो यजीद को अच्छा समझता। शियत उनके साथ इख्तलाफ, वो अलग चीज है यार, वो अलग बहसें। वो अल्लाह ताला की रोयत को नहीं मानते, हम अल्लाह की रोयत को मानते हैं। वो जादू को नहीं मानते, हम जादू के कायल हैं। वो सहाबा किराम रजी अल्लाह उनको कुछ और मरतबा देते हैं, हम कुछ और मरतबा। ये सारी बहसें अलग हैं, होती रहती हैं, कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन कभी यह भी बहस हुई है कि यजीद को हम लोग अच्छा कहें, अहले तशय्यो उसे बुरा कहते हैं, हम इस मामले में उनके साथ बई तौर हैं कि हम भी यजीद को बुरा ही समझते हैं। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां, ये शिमर जब कत्ल करने आया तो इस शिमर को फुल बहरी थी, बर्स था, जिस्म पे दाग पड़े हुए थे। तो सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हुमा ने उसे देखा और कहा आओ, और मुझे पता है तुम मुझे कत्ल करोगे। मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे इस बच्चे को एक चितकुबरा, सफेद स्याह रंगों वाला चितकुबरा उसे कहते हैं ना, फरमाया था कि एक चितकुबरा कुत्ता मेरे बच्चे तुम्हें शहीद करेगा। फरमाया आओ तुम ही मुझे मारो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें बताई हैं वो तो और भी ज्यादा है। हम इसको इस पे ना खत्म करें। सादी ने कहा, शेख सादी का जुमला तो सारे लोग पढ़ते हैं, उन्होंने कहा खुदाया बहक्के बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातिमा, अल्लाह सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की औलाद के सदके आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह इस पे मौत आ जाए। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अपने मकतूबात में लिखा है कि वालिद साहब कहते थे कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की औलाद के साथ नेकी करते रहना, और फरमाते थे कि मदखले अजीम, जो शख्स ये चाहे कि उसका खातिमा बिल खैर और ईमान के साथ हो, बड़ा दखल है अहले बैत कराम रजी अल्लाह की मोहब्बत का, इनसे मोहब्बत करते रहना। तो जब मेरे वालिद के इंतकाल का वक्त आया तो मैंने कहा अब्बा जान अब ये फरमाते थे वालिद, अब ये कहते थे, तो उन्होंने कहा मुझसे पूछते हो, मैं जा रहा हूं दुनिया से सर शारेम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत में सर से पांव तक डूबा हुआ, सर शारेम सर शार उनकी मोहब्बत। हम तो बेअदबी समझते हैं कि यजीद का मुकाबला इधर करें, बहुत दुख होता है। यजीद कहां यार, हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, उनके नवासे, उनकी नवासियां, वो लोग ही और। तो इसलिए यजीद के बारे में साफ है, हनफी फुकहा में दो गिरोह, कुछ से काफिर कहते हैं कुछ उसे फासिक कहते हैं।